हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे एडिबल एंड इंडस्ट्रियल ऑयल्स ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन के बारे में इसमें हम ऐसे एडिबल और इंडस्ट्रियल ऑयल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका ओरिजिन वेजिटेबल्स या प्लांट्स होते हैं पहले बात करते हैं वेजिटेबल ओरिजिन से मिलने वाले एडिबल ऑयल्स की तो देखिए ये एडिबल ऑयल्स वेजिटेबल से ऑप्टेन होते हैं इसलिए इनको एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स कहते हैं और ये प्लांट्स के सीड्स रूट्स या फ्रूट से ऑप्टेन होते हैं इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे पीनट ऑयल कॉटन सीड ऑयल मस्टर्ड ऑयल तिल ऑयल सोयाबीन ऑयल लिंस ऑयल एटसेट्रा अब इन एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स के ग्लिसराइड्स में जो फैटी एसिड्स प्रजेंट होते हैं वो हो जाएंगे ऑलिक एसिड लिनोइक एसिड लिनोलैनिक एसिड रिसिनोलिक एसिड पामिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड इन सारे एसिड्स और ग्लिसराइड्स के स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे अब बात करते हैं वेजिटेबल ओरिजिन के इंडस्ट्रियल ऑयल्स के बारे में तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कोकोनट ऑयल पाम ऑयल मस्टर्ड ऑयल ऑलिव ऑयल सोयाबीन ऑयल एटसेट्रा अब बात करते हैं इन इंडस्ट्रियल ऑयल्स के यूजेस की तो देखिए इन इंडस्ट्रियल ऑयल्स का मोस्ट ऑफ यूज सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में होता है अगर हम लिंसिड ऑयल की बात करें तो इसका यूज़ पेंट्स और वार्निश में होता है इसी तरह से ग्राउंडनट ऑयल की बात करें तो इसका यूज़ वेजिटेबल घी इंडस्ट्रीज में होता है इसके अलावा इन इंडस्ट्रियल ऑयल्स का यूज़ प्रिंटिंग इंक की मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है अब कैस्टर ऑयल की बात करें तो इसका यूज़ फार्मास्यूटिकल और लुब्रिकेंट इंडस्ट्रीज में होता है और ग्राउंडनट ऑयल की बात करें तो इसका यूज हेयर ऑयल के फॉर्म में भी होता है और कैंडल्स और पॉलिसेस की मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है